गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मूली की भुजी बना रही हूँ आज सुबह, और उसके लिए मैंने जो है प्याज को चॉप करके रख लिया है। इधर भुजी जो है मूली के जो पत्ते हैं, और उसके साथ मैंने एक मूली भी ले ली थी, वो भी काट दी थी इसी में, और वो उबाल कर रख ली है। तो बस इसको कर रही हूँ छोंकने की तैयारी। व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। कढ़ाई में दोस्तों ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं सबसे पहले जीरा, और उसके बाद मैंने अदरक को घिस कर रख लिया था वो डाल देती हूँ। और इसके बाद दोस्तों मैंने ये जो प्याज हैं वो सारी जो हैं चॉप कर ली थी वो डाल दी है मैंने। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया, भूल गई थी मैं हींग डालना। और अब डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर जो है मसाले ऐड करूँगी जब प्याज जो है वो भुन जाएगी। तो इसे अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसी को सिकने देंगे थोड़ी देर के लिए प्याज को। तो गैस को कर देती हूँ मैं मंदी, और जब ये प्याज भुन जाएगी उसके बाद मैं इसमें थोड़े मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। उसके बाद जो है भुजी है वो डाल दूँगी। तो ये मैंने निचोड़ के रख लिया, उबाल दी थी, और एक या दो सीटी लगाई थी, ज़्यादा नहीं, वैसे तो एक सीटी में ही हो जाती है। और फिर जब ये ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे क्या किया था, एकदम निचोड़ के अच्छे से, और फिर निकाल लिया था प्लेट में। तो बस ये डाल दूंगी जब मसाले भून लूंगी, उसके बाद मसाले डालने के बाद। दोस्तों मैंने मेथी का जो आटा है वो लगा के रखा हुआ है, और मेथी के परांठे बनाऊंगी आज। प्याज भुन गई है दोस्तों, इसमें डाल लेती हूँ मैं लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, मिक्स कर लेती हूँ, भुनने देती हूँ थोड़ा सा मसाला। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया ताकि मसाला जो है वो भुन जाए। ऑयल दोस्तों छोड़ने लगा है, मसाले भुन रहे हैं, भुन ही चुके हैं लगभग। बस इनमें मैं डाल दूंगी अब जो मैंने भुजी उबाल कर रखी थी वो। बहुत जल्दी रेडी हो जाती है दोस्तों ये वाली जो भुजी होती है, फटाफट से बस प्याज को भूनो, मसाला डालो और रेडी। बस इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मुझे अंदाज़ा तभी आता है जब मैं सब्जी डालती हूँ, पहले से नहीं डालती, पहले मैं थोड़ा ही डालती हूँ। तो इतना सा नमक बहुत है, क्योंकि भुजी है तो ज़्यादा भी ना हो जाए। इसको कर देंगे मिक्स। मसाले में नहाने के बाद दोस्तों मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढका है, उसके बाद इसे थोड़ी देर बाद ढक्कन को हटाकर फिर एक बार मिक्स करके अच्छे से गैस को तेज करके फिर करूँगी गैस बंद, और बना लेती हूँ तब तक मैं पराठा। ये देखो दोस्तों बन चुकी है मेरी जो भुजी है, वो रेडी हो चुकी है ये देखो। और बस गैस को कर देती हूँ अब मैं बंद, और इधर गाय की रोटी जो है वो बना लेती हूँ। मिर्च भर लेती हूँ दोस्तों मसालदानी में इतने, क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों घर के सारे काम वगैरह निपट चुके हैं, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में, और आज मंदिर की सफाई करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से दोस्तों जो हवा वगैरह चल रही थी उससे धूल मिट्टी जो है खिड़की से अंदर आ जाती है घर में, रूम में। तो मंदिर में भी काफ़ी मैंने जो तस्वीरें कई दिनों से देख रही थी कि उन पर धूल वगैरह जमी हुई थी, मैंने सोचा आज जो है मंदिर की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, और फिर शिवरात्रि भी आने वाली है तो मंदिर भी साफ़ हो जाएगा।
तो वही कर रही हूँ, सारी जो तस्वीरें हैं दोस्तों वो निकाल निकाल के अच्छे से जो है मैं पूरा जो मंदिर है वो पहुँच दूंगी। तो बने रहिएगा आप व्लॉग में और देखते रहिएगा व्लॉग को। कर दिया है मैंने, और अब इसको अच्छे से पहले मैं पोंछ दूंगी, उसके बाद इसमें कपड़ा बिछाऊंगी, फिर जो है जितनी भी भगवान की तस्वीरें हैं वो सब भी पोंछ के और फिर लगाऊंगी अच्छे से। अंदर से दोस्तों जो मंदिर था वो मैंने पूरा साफ़ कर दिया अच्छे से कपड़े से, और एक गीला कपड़ा ले लिया था एक सूखा, तो उससे हो गया है सारा साफ़। और ये अब मैं तस्वीरें भी पोंछ लेती हूँ जितनी भी हैं सारी, और पोंछ के दोस्तों फिर इनको मैं कपड़ा बिछाकर अंदर मंदिर में फिर लगा दूंगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है इधर ये जो कपड़ा है ये बिछा दिया इस तरीके से लाल, और जो मूर्तियां हैं दोस्तों वो सारी मैं धीरे धीरे पहुंच रही हूँ, अभी पूरी नहीं पहुंची है मैंने। और ये माता जी को मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है, इधर मैंने ये चौकी रख दी है, देखती हूँ यहाँ क्या रखती हूँ मैं, कौन सी मूर्ति रखती हूँ अभी देखती हूँ। तो लगा रही हूँ धीरे धीरे, इधर गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, इनको भी अभी मैं साफ करूंगी और फिर लगाऊंगी। तो बने रहिएगा आप व्लॉग में, देखते रहिएगा, जब तैयार हो जाता है ये साफ कर देती हूँ मैं, पूरा मंदिर सजा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इधर दोस्तों मैंने हनुमान जी जो हैं वो विराजमान कर दिए माता के पास, इस तरीके से सब लगा दिया, ऊपर का पोर्शन मैंने कर दिया कंप्लीट। तो यहाँ पर सोचती हूँ सुखदेव जी को रख दूँ यहाँ पर ना, ऐसे रख देती हूँ, अच्छे लग रहे हैं। और ये हनुमान जी दोस्तों हम गांव से लाए थे, और हमारे गांव का जो घर है ना उसमें ये जो है मंदिर के हनुमान जी हैं, मतलब हमारे गांव के घर के मंदिर के हनुमान जी, तो वो हम ले आए थे अपने हनुमान जी, और तो वो लाकर हमने रख लिए अपने पास। और इनको भी इधर जो है मैं जगह दे दूंगी, इधर अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर इसी चौकी पे मैंने रख दिया, अच्छे लग रहे हैं इस चौकी पे ना ये। और अब लड्डू गोपाल जी, यहाँ पर दोस्तों मैंने लड्डू गोपाल जी को रख दिया इधर, और इधर मैं बड़े वाले को, जो मैं सुबह पूजा करती हूँ ना दोस्तों, तो फिर बड़े वाले को भी मैं अंदर ही लेके आती हूँ, पहले पूजा वगैरह सब हो जाती है तब मैं बाहर ले जाती हूँ, तो फिर उनके लिए भी मैंने प्रॉपर आसन लगा दिया है इस तरीके से। तो अभी आधा ही मंदिर सजा है दोस्तों और अच्छा लग रहा है, बाकी का भी जो मंदिर है वो भी मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखो दोस्तों दोनों भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे रख दिए मैंने दोनों, अच्छे लग रहे हैं गोलू मोलू से। यहाँ पर दोस्तों फाइनली जो है मंदिर मैंने पूरा तैयार कर दिया है, आप देख लीजिए, पूरा सजा दिया है मैंने मंदिर को। और इधर मैंने ये दिया रख दिया है, ये धूप वगैरह के लिए मैंने रख दिया है, और इस तरीके से लगा दिया है पूरा मंदिर। तो और बस इनकी जो ज्वेलरी है भगवान की वो भी देख लेती हूँ, कोई अगर खराब है ठीक नहीं है तो मैं उसे निकाल दूंगी, नहर में डाल देंगे फिर, जो भी अगर खराब हो गई होगी तो वही देख रही हूँ अभी मैं, ये वो भी छांट लेती हूँ। तो व्लॉग कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अब कल मिलते हैं एक नए व्लॉग और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।